यार, इन लोग क्यों भाग गए? इनका लोग को गलती कुछ नहीं है, क्यों भागे? इन लोग कुछ किए तभी तो भागे वहां से। बताने का कारण है कुछ न कुछ जो डुबाए होंगे या कुछ किए हैं इसका कारण। सत्रह सितंबर के दिन भिवंडी के अजंता कंपाउंड में हुई घटना, जहां 17 वर्षीय अमित शिव कैलाश गुप्ता की कुएं में डूबकर मौत हो गई थी। इस घटना ने एक नया मोड़ ले लिया। विशेष तौर पर परिजनों का आरोप है कि अमित गुप्ता को साजिद के तहत मारा गया। आपको बता दें कि 17 सितंबर के दिन भिवंडी के अजंता कंपाउंड में एक 17 वर्षीय अमित शिव कैलाश गुप्ता, जो कि पप्पू सेठ के कुएं में शव बरामद हुआ था। ऐसे में आपको बता दें कि अमित गुप्ता के साथ में उसके 3 विद्यार्थी दोस्त साथ में थे, जिनका एक सीसीटीवी कैमरा वीडियो जो है सामने आ रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सबसे पहले तो अमित गुप्ता के साथ में उसके 3 दोस्त कुएं के पास जाते हैं और कुएं के पास जो दीवार है उस दीवार पे पार कर कुएं की ओर जाते हैं, लेकिन कुछ मिनटों के बाद ही उस दीवार को फांग कर मात्र 3 लोग बाहर आते हैं। जिसको लेकर आपको बता दें कि पीड़ित के परिवार ने यह शंका जताई कि साजिद के तहत जो है अमित को मारा गया है। इस मामले को लेकर आपको बता दें कि भिवंडी पश्चिम के एसीपी को एक ज्ञापन भी दिया गया। अब देखना यह है कि पुलिस इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है और इस मामले की छानबीन में क्या खुलासा होता है। इस बीच पीड़ित के परिवार ने हमारे चैनल से बातचीत की और आरोप लगाते हुए क्या कहा, ये सुनते हैं। उधर उन लोग के साथ गया, जैसे उन लोग कूदे नहा के निकले, मेरा लड़का भी कूदा, तो उन लोग को बोल जैसे ऊपर नहीं आया मेरा लड़का, तो बोलना चाहिए ना था कोई पड़ोस लोग को बुलाना चाहिए वहाँ पर, क्यों आया क्यों नहीं ऊपर, इन लोग क्यों भाग गए? इनका लोग गलती कुछ नहीं है तो क्यों भागे? इन लोग कुछ किए तभी तो भागे वहाँ से। मेरे को कहना चाहिए मेरा लड़का मेरे को जैसा था वैसा चाहिए। अभी मेरा 2 हादसा ऐसा हो गया, एक मेरा लड़का सहारा बचा है। आज मैं ऐसा नहीं करूंगी तो उसके साथ भी हो सकता है। आप क्या पुलिस वाले से कहना चाहते हैं कि क्या होना चाहिए इसमें? जांच किस तरह से? न्याय चाहिए कि वो उसका गलती नहीं था क्यों भागा, बताना चाहिए। नहीं था तो भागा, यही मेरा दोष है। बस यही मेरा भाई बाप के दोस्त होना चाहिए, फोन कर चाहिए। ऐसे उसके पास नहीं वो था तो 100 नंबर फोन करना चाहिए। पुलिस चाहते का के लिए पुलिस है सरकार? उन लोग कुछ भी नहीं किए, उन लोग का मीटर था तभी तो उन लोग भागे, नहीं मीटर था तो क्यों भागते? मेरे को पुलिस से न्याय चाहिए, मेरा लड़का जैसे गया उन लोग को ऐसे मिलना चाहिए दोषियों को। हाँ, दोषियों को नहीं कुछ है तो उन लोग क्यों नहीं बताए आगे, बताना चाहिए। और किसी को 24 घंटा बीत गया उसके बाद बताए भी नहीं। वो तो मेरा लड़का फोन करके पूछा तो बोला कि मैं अमित, वो बोला अमित को जानता है, बोलता हाँ अमित को जानता हूँ, देखा नहीं हूँ। तो जब वो नंबर पुलिस को दिया फिर तो पुलिस लगा, वो आया फिर गोल गोल सबको घुमाया। जानकारी कैसे पता चली आपको कि बच्चा आया नहीं, कब तक नहीं? नहीं, 6 बजे वो आ जाता था घर पे। हाँ, 6 बजे मैं जो ली पूरा मोहल्ले में पता लगाई, सबको भेजी, सब पता लगाए, बोले मोहल्ले में है ही नहीं। अच्छा। मोबाइल भी उसका लगा रही, वो भी नहीं उठा रहा है, 2-4 बार लगा लेता है, उठा लेता है। उसके पापा है, बोले मैं देखो 100 बार कॉल लगाए उठाए नहीं, उसके हाथ में मोबाइल है भी नहीं, उसके साथ कुछ तो कांड हुआ है। मतलब फोन चालू था? हाँ, फोन चालू है, डाटा भी चालू है।
फोन चालू है, टाटा चालू है, जैसे वो गेम भी खेलता था तो स्विच ऑफ होता उसका मोबाइल। मेरे खुद ही समझ में आ गया कि उसके साथ कुछ तो हुआ है। अच्छा हुआ है आपके बेटे हैं उनके। सुबह 12:30 बजे गया कॉलेज, 3 बजे कॉलेज छुट्टी हुआ, 4 बच्चे साथ, 3 बच्चों के साथ में गया, निकला वहाँ से, फिर शाम तक वापस नहीं आया। 6:30 बजे मेरे पास कॉल आया, हम लोग दुकान पे थे, मतलब बारिश का टाइम है, आती घूमता कि आएगा भाई, घूमते जाते होगा, आता होगा। फिर शाम को हम लोग 8 बजे आए, नहीं आया, तो इधर उधर थोड़ा घूमे टहरे, पता लगाए, कॉलेज तक गए हम लोग, नहीं मालूम पड़ा कि पुलिस चौकी गए, वहाँ केस ऊपर बताया, वहाँ पे केस हुआ फायर दर्ज। तो बोले ठीक है, शायद तुम लोगों का थोड़ा वो है, तुम लोग लापरवाही किए हो, हम लोग को समझाए हुए हैं, 12 बजे तक हुआ पता है, सुबह में आ जाना 10 बजे। हम लोग सुबह में फिर कॉलेज तक गए 8:30 बजे, वहाँ सब कहा, बोले जब तक बच्चे जो उनके साथ वाले बच्चे 12:30 बजे आएंगे तभी मालूम पड़ेगा। लोग फिर वापस आए, पुलिस वालों का मतलब 9 बजे मेरे पास 8:30 बजे 9 बजे कॉल आया कि पुलिस नगर का लोकेशन आया, उधर का लोकेशन आ रहा है, तुम लोग वहाँ पे आ जाओ। हम लोग 2-3 दिन वहाँ पे गए तो पटेल नगर मस्जिद है वहाँ पे लोकेशन बता रहा था बार बार कि उधर का, उधर आधा घंटा हम लोग खोजबीन किए, फिर धोबी तलाव का लोकेशन आया, फिर हम लोग वहाँ गए, फिर वहाँ भी कुछ नहीं मिला, फिर रईसा कॉलेज का लोकेशन आया, फिर उसके बाद वहाँ से वो लोग पुलिस वाले फिर बोले चौकी चलो, हम लोग चौकी आने लगे धोबी तलाव से, उधर पूछताछ करके फोटो वोटो दिखाए बच्चे का, कोई देखा है क्या इधर, बोले कोई नहीं देखा है। मेरे मन में ऐसा डाउट हुआ, चलो 12 बज गया है, चलो एक बार कॉलेज घूम के आते हैं, देखते हैं, अगर बच्चे आए होंगे तो पता करता हूँ क्या है, कहाँ गया, कहाँ नहीं गया। और फिर हम लोग वहाँ गए तो वहाँ भी कुछ मालूम नहीं पड़ा, CCTV में उसका फुटेज में पता चला कि 3 बजे तक निकल गया था, हाँ यहाँ से निकला है। फिर हम लोग फिर वहाँ पुलिस चौकी गए, फिर वहाँ पे गए तो जो साहब थे तुमको फ़ोन लगाया तो बोले मैं बाहर आया हूँ, तुम बैठो मैं आ रहा हूँ। फिर हम वहाँ हम लोग आधा घंटा बैठे, फिर उधर से कुछ भी रिपोर्ट नहीं आया तो हम लोग बोले चलो उधर चलते हैं। फिर इधर आया कल्याण नगर पर पहुँचा, फिर उनका फ़ोन आया, बोले उधर का लोकेशन बता रहा है कल्याण नगर का, फिर वापस रिपीट। फिर हम लोग गए वहीं पर, बार बार खोज रहे हैं, बार बार खोज रहे हैं, लोकेशन उधर का ही बता रहा है। फिर 1 घंटा तक लोकेशन वहाँ का चला, 1.5 घंटा वहाँ पे ऐसे तपास किए। फिर उसके बाद मेरे दिमाग में पता नहीं, ऐसे लड़के को फ़ोन किया, मैं बोला तू कहाँ है, तो बोले मैं वहाँ पे हूँ। तो मैं बोला एक काम कर, तू जा देख, अगर तुम बच्चे आए उसके दोस्त लोग आए पूछ कहाँ है क्या नहीं है। फिर गया वहाँ पे तो उसको फ़ोन ऑन किया तो तीनों बच्चों को लाया, तो उसके पहले ही लड़का जो उसका साथ में था वो मेरे लड़के से मिला था, तो उसको पूछा कि तू उसको जानता है क्या, बोले मैं जानता हूँ मगर वो मेरे को मिला नहीं। हाँ फिर जब वो लोग पुलिस के सामने आए तो पुलिस के सामने अपने सामने बोलने लगे, वो तो ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, हम लोग गए थे वहाँ नहाने, वो कूड़ी मारा फिर ऊपर नहीं आया, तो हम उसको बोले ये बात पहले क्यों नहीं बताया, तो बोलता है हम लोग काम गए थे, डर गए थे, डर और नहीं गए थे वो लोग का कुछ है, अब क्या है भगवान जाने, डर गया था, तुमसे नहीं हुआ तो तुमको बाहर बोलना चाहिए, आवाज लगाना चाहिए, मगर कुछ भी नहीं बोले और सीधा घर पे आके बैठ गए। तो उन लोगों को पुलिस ने स्टेटमेंट लिया या वो क्या किया, स्टेटमेंट लिए क्या किए भगवान जाने कुछ नहीं बता, समझ में नहीं आ रहा उनका क्या लिए क्या नहीं लिए, हमको तो इन बच्चों में भी कमी है, वो लोग भी कुछ छिपा रहे हैं, कुछ तो बात है, अगर ऐसा नहीं होता तो बात करते नहीं तो बाहर आवाज करते कि हाँ भाई ऐसा हुआ है, हादसा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वहाँ पे भी नहीं बताया, घर पे भी नहीं बताया। सुबह में जब मेरे बड़े वाले लड़के से मिल रहे हैं तो बोलते मैं जानता ही नहीं हूँ। पुलिस साहब क्या फिर इसमें चाहते हैं कि किस तरह की मेरा वो करें नहीं, इसका पूरा पुलिस से कार्रवाई करें, जांच हो और क्या चाहिए। गुरुवार कोई 11 बजे लड़का निकला स्कूल जाने के लिए, स्कूल पे गया, स्कूल में रजिस्टर्ड 3 बजे तक का वहाँ पे दिखाया, वहाँ से निकलने के बाद में शुक्रवार को 3:30 बजे निकला वहाँ से भीगते हुए, 4 बच्चों के साथ में वहाँ से निकले और वो लोग गए और बावड़ी के पास में गए, क्या किए, नहाए, गिराए, डुबाए, ये हम लोग को मालूम नहीं है। हम लोग को बच्चा अगर 6 बजे तक घर पे नहीं आया तो हम लोग
को मालूम चला कि ढूंढो, ढूंढने गए बच्चे को कहीं पता नहीं चला, इधर उधर सब जगह ढूंढे, उसके बाद में कंप्लेंट किए 8 बजे पुलिस स्टेशन में। तो वहाँ पे कंप्लेंट हुआ तो धीरे धीरे चलो हम काम करते हैं। दूसरे दिन सुबह में 8 बजे हम लोग फिर वापस रिपीट फ़ोन किए पुलिस स्टेशन में, तो वहाँ पे बोले कि काम चालू है, अभी मैं लोकेशन पे डालता हूँ। तो लोकेशन पे अब जब वो लोग डाले तो हम लोग इधर से निकले, तो वो लोग फ़ोन किए कि आओ आ जाओ, बच्चे का मोबाइल का लोकेशन धावन नाका पे आ रहा है। तो हम लोग दो जन वहाँ पे गए, तो वहाँ का लोकेशन वो मस्जिद कौन सा है, धावन नाका ब्रिज के आगे, उस ब्रिज के पास में लोकेशन आया, पुलिस के साथ में गया, वहाँ पे लोकेशन बताया। हम लोग 3 बार 4 बार उधर चेक किए, कुछ नहीं, वहीं पे बार बार चेकिंग कर रहे हैं, लोकेशन वहीं का बता रहा है। फिर वहाँ से निकले जा, लोकेशन वापस रिपीट बताया धोबी तलाव का, स्टेडियम का। फिर वहाँ हम लोग गए, उधर भी स्टेडियम में भी ढूंढ ढाड़ किए, वहाँ भी नहीं पता चला। पुलिस लोग भी गए, पुलिस स्टेशन गए, हम लोग वापस रिपीट फिर आए, बीएन कॉलेज गए, बीएन कॉलेज से वापस रिपीट आए, फिर कुंवारवाड़ा पुलिस स्टेशन आए, वहाँ पे बैठे थे आधा घंटा। वहाँ से जाने के बाद में फिर वापस रिपीट आए कल्याण नाके पे, तो यहाँ पे मालूम चला पुलिस वालों ने फ़ोन किया कि आओ लोकेशन फिर चालू है वहीं पे। वापस रिपीट फिर धावन नाका पे गए, वहाँ पे लोकेशन 3 बार 4 बार उधर बता रहा है। फिर उसके बाद में पुलिस वालों के भी, हम लोग के भी कोई लोकेशन का पता वहीं एक ही जगह बता रहा है, मालूम नहीं चल रहा है। आप लोगों को कैसे पता चला कि वो? हम लोग को बाद में पता चला, बच्चा इधर अपना लड़का जो गुमशुदा है उसका बड़ा भाई, उसके दोस्त लोग को पता लगा। पहले सुबह स्कूल में पूछा तो लोग बोलते हैं कि हम नहीं जानते हैं। बाद में वापस रिपीट फिर जब वहाँ पे फ़ोन करके बुलाए, पुलिस के साथ में लेके गए, तब उसके बाद में वो बताया कि चलो वहाँ पे बावड़ी में नहाने गए थे, वहाँ पे डुब्बी मारा तो वो निकला नहीं। पुलिस वालों के साथ और हम लोग कई बच्चों के साथ में वहाँ पे आए, बावड़ी के पास आए जब, तो वहाँ पे उसका झोला है और वो वहीं पे मिला। मगर पहले लोकेशन, पहले मोबाइल का दूसरे जगह बताया, पहले नहीं बताया था, पहले कुछ नहीं, पहले हम लोग का कोई सहयोग नहीं किए वो लोग और न बताए। 24 घंटा बीत गया, वो लोग कोई हम लोग को कुछ नहीं बताने का, क्या उन्होंने न बताने का कारण है, कुछ न कुछ डुबाए होंगे या कुछ किए हैं इसका कारण है, इसलिए वो लोग ने छिपाया। पुलिस की छानबीन में क्या उन्होंने क्या बताया? पुलिस के छानबीन में वो लोग तो बताए कि डूबा है बच्चा, मगर हम लोग को ऐसा लगता है कि वो बच्चे के साथ में कुछ हुआ, डुबाया गया है, तो इसलिए पुलिस वाले बोला छानबीन करने वो लोग गए। पुलिस वाले बोल रहे हैं बच्चा डूब के ख़त्म हुआ है, उसके पास कुछ मारिया या कुछ नहीं लगा है, हम लोग को ऐसा लग रहा है कि वो डुबाया गया है और साजिश है, ये यानी मुझे साजिश है। पुलिस से हमको न्याय चाहिए, हमारे बच्चे का पुलिस से न्याय चाहिए। तैरना नहीं आता था बच्चे को बिल्कुल, अगर तैरना नहीं आता तो बच्चा वहाँ से कूदेगा क्यों नहीं? वो लोग बोल रहे हैं बच्चा कूदा है, मगर हम लोग को ऐसा महसूस नहीं होता है कि बच्चा कूदा है। मामले में पुलिस का किस तरह का रोल है? मामले में पुलिस का इधर 2 सेक्शन का मामला है, इधर जाओ उधर जाओ, इसलिए घुमा फिरा रहे हैं। अगर नहीं होता है तो हमको दे, क्राइम ब्रांच को दे, फिर वहाँ से हम लोग जांच कराएंगे। फिर